दोस्तों, तो मेरा नाम आयुष कुमार है, आप देख रहे हैं सपाट ट्यूबर। और अभी मैं जा रहा हूँ चाइना पीक की तरफ। ये देख रहे सामने पीछे, ये हिमालयन है, जो आपको चोटी दिख रही है वो हिमालयन की चोटी है। और अभी मैं जा रहा हूँ चाइना पीक, जहाँ से आपको नैना देवी, नैनीताल के अंदर जो नैनी देवी लेक है, वो पूरा क्लीन व्यू आने वाला है, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा है। तो मेरे साथ विपिन है, जिसको आप पहले से जानते हैं, और साउथ है, उसको भी पहले से जानते हैं हमारे ईओडी वाले वीडियो से। तो अब हम पूरी वीडियो देख के जरूर जाना, क्योंकि चाइना पीक बहुत बेहतरीन है, जो मैंने वीडियोज में देखा है सब में, तो मजा बहुत आने वाला है। तो पूरी वीडियो देख के जरूर जाना। चलिए वीडियो आगे चलते हैं। अरे रुकिए जनाब, इतनी भी क्या जल्दी है, शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि किसी ने खूब कहा है, मंजिल से ज्यादा सुकून सफर देता है। दोस्तों, दिल्ली से नैनीताल जाने का बेस्ट ऑप्शन ट्रेन है, जिसका किराया आपको 120 रुपये से 500 रुपये तक पड़ने वाला है। नैनीताल से सबसे पास का स्टेशन काठगोदाम है, जो कि नैनीताल से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप काठगोदाम ना उतर के हल्द्वानी उतरिए, क्योंकि हल्द्वानी से ही बस बनकर चलती है। और अगर आप काठगोदाम से बस पकड़ेंगे तो आपको बस भरी भी मिलेगी और सीट भी नहीं मिलने वाली। हल्द्वानी या काठगोदाम से नैनीताल जाने के लिए आपको दो ऑप्शन हैं। पहला, आप बस पकड़ सकते हैं, जिसका किराया आपको सिर्फ 85 रुपये पड़ेगा, और बहुत ही टाइम टू टाइम बस वहाँ पे चलती रहती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपको फिर भी पूरे आराम से जाना है, तो आप वहाँ से कैब भी कर सकते हैं, जो कि आपको ईज़िली अवेलेबल है, और उसका किराया आपको 150 से 300 रुपये एक पर्सन का पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेन सूटेबल नहीं मिल रही है, तो आप बस से भी आ सकते हैं, जो कि आपको 8 से 9 घंटे में दिल्ली टू नैनीताल पहुँचा देगी। ये है नैनीताल का बस डिपो। तो अभी हमने होटल बुक कर लिया है, इसे अभी होटल अभिरुचि है नाम इसका। और होटल देखा जाए तो मतलब एक एवरेज सा ही होटल है, कोई खासा मतलब उतना नहीं है। हालांकि दो बैठे हैं तो हम तीनों के लिए काफ़ी होगा, लेकिन लोकेशन बट जो व्यू है, जो लोकेशन है, ये देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हम नैना लेक के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। और पूरा ये बिल्कुल जो लैंडस्केप दिख रहा है ना, इससे अच्छा लैंडस्केप मतलब शायद ही मिले। तो काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ के लैंडस्केप दिख रहा है। आज का प्लान देखो, सबसे पहले प्लान हमारा ये है कि अब तो भूख लग रही है, थोड़ा सा पहले खाना खाना है। खाना खाने के बाद जो बाद हमारा है कि चाइना पीक जाना है, जो कि काफ़ी बढ़िया जगह है। तो स्कूटी हमने हायर कर ली है, 500 रुपये का वो है रेंट स्कूटी का। तो 500 से ऊपर मत जाना और 500 से नीचे वो नहीं जाएंगे। चलिए अभी हम फटाफट खाना खाने जाते हैं, फिर करा लेता हूँ। तो हमने बाइक रेंट कर ली है, एक बाइक ये है जो मैं चलाने वाला हूँ, और एक बाइक ये है। Eyes wide, tongues tied, midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know, sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love 'cause I'm here tonight. I don't wanna say it, but it just feels right. I think the barrel's just about the time. I wanna stay at the back of your mind.
तो देखो हम चट्टान पे चढ़ गए, चट्टान पे चढ़ गए। इसे हम वो सात पत्थर कहते हैं, पता नहीं बारह पत्थर कहते हैं इसे। और यहाँ से हम ऊपर चढ़े हुए, ये देखो हमारी बोर, वहाँ पे स्कूटी पार्क है। और ये रास्ते, ये देखो ये तिराहा है, यहाँ से आप देख बोल ध्यान रखना राइट साइड को आपका जा रहा है चाइना पीक, और ये आगे जाके पता नहीं क्या जा रहा है, देखना पड़ेगा। बाकी ये रास्ता मुड़ते ही सात पत्थर वाला है, मेरी अचानक से नजर पड़ गई, पता है ये कुछ कह रहे हैं। यहाँ ये गुफा है, यहाँ से ठंडी हवा आती है, यहाँ से मेरे को बदबू आ रही है कुछ, गुफा पान वान की खुशबू आ रही है। हम तुझे क्या है, मेरी नाक बंद है क्या? फिर ये कह रहे यहाँ से कुछ ठंडी ठंडी हवा आती है, ऐसा लग रहा है फ्रिज है यहाँ पे, लग रहा है तेरे को भाई? ऐसा लग रहा है 2 डिग्री वहीं रख दे नीचे, काफी ठंड हो रही है भाई यहाँ पे। तो अभी ये 12 पत्थर जो एक यूट्यूब पे देखा था वीडियो पे उसको हो गया, अब हम 12 पत्थर के बाद जा रहे हैं चाइना पीक, जो कि यहाँ रास्ता है, चल रहे हैं। तो ये रास्ते में आते वक्त ये बस एक कोने पे ही मिलेगा, यहाँ पे कुछ वेलकम स्वागत का, ये कहाँ जाता है रास्ता? पंगोट, अच्छा ये पंगोट की जा रहे हैं, ये तो ये वाला चाइना पीक। यहाँ पे आप स्कूटी, यहाँ पे स्कूटी खड़े करने की जगह है, और इसके बाद यहाँ पे नहीं सब है बैग में हमारे, ठीक। राइट में रहना है, लेफ्ट में, ठीक है लेफ्ट में जाना है। सो ये वहाँ से हमने अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है, और अबे ये तो लग रहा है कि हालत खराब हो जाएगी, तो खड़ी चढ़ाई है। अबे ये तो बहुत खड़ी चढ़ाई है यार, तो अभी भी ना लकड़ी लेनी पड़ेगी। ये समझा ले गाइस, ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये देखो विपिन है पीछे, बैग है हम पे एक छोटा सा, और हमारी हो रही है हालत थोड़ी सी टाइट, बट क्योंकि मैं ट्रैक 2-3 कर चुका हूँ तो मेरे को पता है कि ये थोड़े टाइम का है, उसके बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद आप नॉर्मल पे आ जाओगे, बट वो 1 किलोमीटर आपकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। चाइना पीक, वो या गोइंग टू चाइना पीक, तरफ से गाना कनेक्ट नहीं हुआ। एक और ये शॉर्टकट फ्रॉम ट्रैक मिला है, ये रहा। गर्मी बड़ी लग रही है, एक इसने भी नीचे उतार दिया, मैंने भी उतार दिया। रास्ते में एक जगह मिली जहाँ से पूरे ये हिमालयन रेंज दिख रही है। हिमालयन रेंज नहीं भाई, वो हिमालयन रेंज नहीं दिख रही, वो 90 साल के बाद अपनी जन्नत दिख रही है। कैसा लग रहा है विपिन ट्रैक पे आके? मतलब ठीक ही है, थोड़ी चढ़ाई जो है ना थोड़ी सी। और अभी तेरे को कैसा लग रहा है, तेरा पहला ट्रैक है? फटी पड़ी है क्योंकि इन लोगों का पहला ट्रैक है, तो इनको इनकी हालत खराब हो रखी है। एंड आई एम लाइक, मेरा तो दूसरा ट्रैक है, तीसरा ट्रैक है, बड़ा इंपॉर्ट होके अब यहाँ पर बैठे हैं। मतलब रास्ते में ये सामने हिमालयन दिख रहा है, हिमालय की पहाड़ी, मतलब लग तो हिमालय दिख रहा है, हिमालयन की पहाड़ी लग रही है। क्या आप कंफर्म है कि ये हिमालय है? इधर देखो, और मतलब धूप आ रही, थोड़ी ठंडा मौसम था, धूप आ रही, काफी शांति बहुत है। खैर यहाँ पर शांति बहुत है, अभी तो 2 आगे गई हैं। शांति चलिए आगे चलते हैं, तो हम शांति के पास जाते हैं इससे पहले कि शांति हमसे दूर हो जाए। अब यहाँ पर Thank you.
तभी एक भाई मिले थे, उन्होंने कहा कि जल्दी चल लो नहीं तो ऊपर का जो काले बादल आ रहे ओस पड़ रही है, व्यू खराब होने वाला है। अब ना इतना इरिटेट हो चुके हैं कि अब खत्म होगा। सो ट्रैकिंग में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, जो कि हमें रखना पड़ रहा है। ये शॉर्टकट लिया, ये तो ऐसे आना पड़ता भाई, काफी रास्ता है। फाइनली पहुंच गए अभी ऊपर, अभी ये मतलब पॉइंट पे पहुंच गए हैं, व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं। चल आ जा, कहाँ लिखा है सर? ये देखो ये चाइना पीक है 8000 फीट की ऊंचाई पे। हम 8000 फीट की ऊंचाई पे ट्रैक करके कह लो या जैसे तैसे भी कह लो पहुंच गए हैं। अब व्यू पॉइंट नहीं है ये कॉटेज है यहाँ पर बना हुआ, कॉटेज आपको 100 मीटर दूर से दिख जाएगा। कहाँ है चाइना पीक? जो यहाँ हट है उसके राइट साइड से ये रास्ता जा रहा है, तो यहाँ से बता रहे हैं यहाँ से 200 मीटर दूर है अभी जो मेन व्यू पॉइंट है चाइना पीक, या चाइना पीक नैना पीक जो भी है वो इसे ही कहते हैं, बट जो एक्चुअल व्यू पॉइंट है वो यहाँ से 200 मीटर दूर है, जो कि हम वहाँ जा रहे हैं अभी। और काफ़ी वेदर की बात करें तो वेदर मुझे लगता है इससे अच्छा वेदर नहीं मिल सकता था, और सबसे बड़ी बात है कि सुबह और शाम नहीं आना है यहाँ पर, क्योंकि रात में यहाँ पर आना बहुत खतरों से खाली नहीं है, रोड उतना अच्छा नहीं है, तो आपको अच्छे से आना पड़ेगा, तो वो देख के आना। जानवर तो नहीं मिलेंगे, इंसान भी नहीं मिलेंगे? जानवर तो शायद मिल जाए लेकिन इंसान तो कंफर्म नहीं मिलेंगे, तब से ढूंढ रहा हूँ एक भी नहीं मिल रहा। ये हम पहुँच गए हैं बिल्कुल वहीं पर, ये रहा चाइना पीक और ये रही जन्नत, इसे जन्नत कहो मृत्यु कहो या काल कहो जो है यही है। सो अब पूरा कोहरा हो गया है तो जाने का कोई रास्ता मतलब जाने का ऑप्शन नहीं है, बचता है अभी तो, अब चल रहे हैं मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे एक दो घंटा डेढ़ घंटा में अच्छे से किया है, तो अब चल रहे हैं और देखते चलने में कितना घंटे जाना है। एक घंटा 10 घंटे के बराबर था, मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। आ जा रुक मेरे से लो ऑनेस्ट रिव्यू, मैं बताता हूँ भाई। देखो आने से पहले पानी ले लेना और हल्का गर्म, ठंडा पानी मत लेना। उसके बाद जो है अगर तुम्हारा पहली बार है तो एकदम भागते हुए ट्रैकिंग मत करना, ठीक है? क्या होता है कि भागते हुए अगर तुम ट्रैकिंग करोगे ना तो फिर तुम जल्दी थक जाओगे। शॉर्टकट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। जो गलती तूने की है
शॉर्टकट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, बस आंखें खोल के रखना। और किसी किसी शॉर्टकट पे डेड एंड भी है, तो वो हिमांशु वाली गलती मत करना। बाकी यही मेरा सजेशन है कि एक जूस का पैकेट रख लेना, ट्रॉपी कहना कर रखना, क्योंकि रियल वाला डिवाइस जैसा लगता है, मजा नहीं आता। हाँ तो प्रमोशन कर रहा है, बाकी तो सब ठीक ही है। हाँ मतलब कुछ मोटिवेशन वगैरह ऊपर हो तो चला जाता है बंदा, हमें तो नोरा फतेही की मोटिवेशन मोनी तो ऐसे कर। तो हम पहुंच गए हैं नीचे, बिल्कुल कुछ पहुंच गए मंजिल पे, दस बीस मीटर ही बाकी हैं, बाकी हम कर चुके हैं, चलेंगे दिन दिन में। आज के एक और नैनी ले खत्म करते हैं। कितना टाइम कितना आ रहा है अभी? तो बहुत टाइम। अच्छा हाउ वाज द ट्रैक? इट वाज फैबुलस, ऐसा मैं कहना चाहता था। बढ़िया था यार, शुरू में हमारी फटी, बहुत ज्यादा फटी, ऊपर जाके लेकिन ऊपर जाके जो मजा आया, ओहो हो क्या लड़के उस मंजर था। तो इससे पहले कि मैं बंद कर लूं, एज यूजुअल सारे ट्रैक में पहला बहुत ज्यादा फटी, फिर जो ऊपर व्यू आया कमाल का, दैट वाज माइंड ब्लोइंग लिटरली, और बहुत बढ़िया। मतलब एक डेढ़ घंटा हमने वहां पे रुके, उसके बाद वहां पर मतलब क्या कहते हैं धुंध आने लगी, पूरा नैनी लेक ढक गई थी। तो अगर आपको आना है यहां पर चाइना पीक, तो आप आइए और कोशिश करिए कि 12 बजे के आसपास निकल जाइए, निकल जाइए ट्रैक के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट करेंगे तो फिर और लेट होगा बहुत दिक्कत। जब तक हमार धूप है तब तक मजा आएगा। हमने 11 बजे नैना लेक छोड़ दी थी और 11:30 बजे मेरे ख्याल से हम यहाँ थे। हाँ। और 11:30 स्टार्ट कर दिया ट्रैक, तब जाके हम जब पहुंचे 11:30 नहीं, हमने 12:30 के आसपास कुछ ट्रैक स्टार्ट किया था यहाँ, मतलब जल्दी आना है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, और अब हम 3 बजे नीचे आए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।